हम तो बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हेलो। हेलो जी, क्या हाल है आपका? बस बढ़िया जी। कहाँ से हैं आप? नेपाल से। जी नेपाल से। मैं कहूँ आपसे पहले बात हुई है हमारी, है ना? हाँ बात हुई थी मैम। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आप आज? मैं तो ऐसे बात करना चाह रहा था, आप एनडीटीवी में आए थे। एनडीटीवी में आए थे आप? एनडीटीवी पे नहीं, मैं क्या नाम है उसका, न्यूज नेशन पे आई थी। अच्छा न्यू ने, सॉरी सॉरी, न्यू नेशन में आए थे जी। आपका जो जो उसके बारे में बात हुई थी, बड़ा बढ़िया लगा था। अच्छा थैंक यू थैंक यू। अच्छा आप ऐसे साहिल साहिल और एडम के साथ भी तो एक बार बात हो जाती तो बढ़िया था। मैं एडम, क्या बात, एडम उनसे क्या बात होगी उनसे, वो लोग जो हैं वो लोग कुछ और, यू नो, चंद लोगों को सपोर्ट करते हैं, चंद लोगों को नहीं सपोर्ट करते। तो एडम का तो बहुत बढ़िया वो डिबेट होती है जी, उसकी होती है बहुत अच्छी अच्छी डिबेट, उसकी भी होती है, साहिल की भी होती है उसकी, यू नो। हाँ साहिल के, आपका भी, आपका भी बड़ा फैन हूँ हम, नेपाल से हैं हम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे ख्याल से मुल्हिदों में कितनी लड़कियां हो गई आप, एक्स मुस्लिम्स, कौन कौन सी लड़कियां हैं जिनको आप देखते हो? मैं बहुत लड़कियां हैं, बहुत देखता हूँ। वैसे तो ज्यादातर आपका और एक पूजा में, मैं ये दो तीन, वैसे तो मैं नाम भूल गया, लेकिन जितने भी एक्स मुस्लिम आते हैं सारे को देखता हूँ मैम। अच्छा जी जी जी, यस। अच्छा तो आप ये अभी आप ये देख रहे हैं ईरान में क्या हो रहा है, ये हिजाब को लेकर? हाँ हिजाब के लिए देख रहा हूँ मैम, देखता हूँ, इसीलिए तो हर एक के साथ मैं कांटेक्ट रहता हूँ। हमारे यहाँ बहुत जैसे मुस्लिम, एक्स मुस्लिम बने हुए हैं हमारे नेपाल में भी। हाँ हाँ नहीं मगर आप ही लोग के नेपाल में क्या क्या लो, क्या वहाँ पर औरतें हिजाब पहनती हैं, यानी बहुत सारी पहनती हैं या नहीं? ऐसे हिजाब हिजाब तो नहीं पहनती, लेकिन है मुस्लिम तो है, लेकिन ऐसा है ना, ये जो आप लोगों को डिबेट है, जो आपने हदीस कुरान का जो किया है ना, इसके चक्कर में बहुत मतलब कम लो हो रही है। वो तो ठीक है, वो तो लोग जो हैं आप ऑब्वियसली सुनेंगे करेंगे, मगर कोई तो पहनती नहीं, मैं कहती नहीं, 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 माइनॉरिटी में है, यानी वो बहुत कम औरतें हैं जो हिजाब पहनती हैं, ज्यादातर मुसलमान औरतें हिजाब नहीं पहनती हैं। हाँ जो पढ़े लिखे जो मुसलमान लड़के हैं ना वो नहीं पहनती है, लेकिन एक ये जो आप जो न्यू नेशन में आए हैं, जैसे साहिल हो गया, आप हो गया, एडम हो गया, समीर हो गया, इसके चक्कर में बहुत परिवर्तन हो रहा है, बहुत बहुत बहुत। वो तो होगा, जैसे जैसे लोग जानेंगे असलियत को तो ऑब्वियसली उनकी आंखों से पट्टी हटेगी, राइट? तो ठीक ठीक, ये आसान नहीं होता किसी के लिए भी, किसी भी मुसलमान के लिए कि एकदम से चीज उनके, यानी ऐसे कहो कि पैरों से जमीन निकल जाती है, यू नो, जो चीजें पूरी लाइफ अपनी जानी, एकदम से आपको पता चलता है झूठ है, सो हाउ आर यू गोइंग टू फील, यू नो। यस यस सर। अच्छा थोड़ा सा लैंग्वेज मेरा नेपाली है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये? नहीं मुझे समझ में आ रहा है, आपकी हिंदी सही है, मुझे समझ में आ रही है। अच्छा, जी आप बोलिए आगे। अच्छा आगे तो मैम आपका बड़ा कृपा है, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो।
इतने ही बोलना था मेरे। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आप लोगों की सपोर्ट, ऐसे ही रही तो हम आगे और बातें करते रहेंगे। चलें मैं आगे ठीक बढ़ती है हूँ, सर, गुड लोगों ने आना गुड शुरू नाइट। कर दिया, थैंक यू, चलें गुड नाइट। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।